और राइट गाइस, आज इस वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं बीजीएमआई एंड बैन को लेकर। एंड आज हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में जिनसे पता लग रहा है कि गेम में कितना और टाइम लगेगा आने में, एंड या फिर तुम लोग एस्टिमेटेड डेट का भी तुम लोगों को पता लग जाएगा। सो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, उनको ऑब्जर्व करेंगे। एंड सबसे पहले मैं बताता हूँ, अभी तक किसी को भी फिक्स डेट नहीं पता, एंड जिसको पता भी है वो चाह के भी रिवील नहीं कर सकता। आई थिंक तुम लोग ये बात समझ भी रहे होगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स टॉक अबाउट बीजीएमआई एंड बैन डेट। बट अगर तुम चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। देखो, आज है 26 मई एंड आज बीजीएमआई ऑफिशियल की तरफ से कुछ अपडेट्स आई हैं जिनको हम लोग आज ऑब्जर्व करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक टीजर आया है या फिर कह लीजिए एक प्रोमो आया है बीजीएमआई की तरफ से, जहाँ पे गेम जो है कमिंग सून एंड स्टे ट्यून्ड दिखा रहा है, यानी कि गेम बहुत जल्द हमारे बीच में भी आने वाला है। एंड उसमें बताया गया है कि ये गेम इमोशन एंड हार्ट बीट है इंडिया के प्लेयर्स। इस टीजर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो वहाँ पे हम लोगों को पता लगता है कि बीजीएमआई कमिंग सून एंड स्टे ट्यून्ड। अभी तक तो उसमें यही दिखाया गया है एंड कुछ प्लेयर्स दिखाए गए हैं जिनके लिए ये गेम नहीं इमोशन है, जिसमें मतलब थोड़ा बहुत हिंट मिलता है कि गेम जल्दी आने वाला है, अराउंड 1 वीक और आई थिंक लग जाएगा। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ उन रिसोर्सेज के बारे में जिनसे पता लग रहा है कि गेम की एक्चुअल डेट। अकॉर्डिंग टू टैप, अब जिन लोगों को नहीं पता, टैप एक प्ले स्टोर का अल्टरनेट ऐप है जहाँ पे ग्लोबली जितने भी गेम्स वगैरह रिलीज होते हैं वहाँ से तुम लोग डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, उनके प्री रजिस्टर भी कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे बीजीएमआई की जो रिलीज डेट है वहाँ पे दिखा रहा था 23 मई, जो कि जा चुकी है एंड वहाँ से अराउंड 3-4 दिन ऊपर भी हो गए, लेकिन वहाँ से और कोई उन्होंने रिलीज डेट भी चेंज नहीं की एंड कोई अपडेट भी नहीं आई उसके अलावा टैप से। तो लेकिन जितने भी बड़े गेमर्स थे जिनकी मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह पढ़ी, उनके अकॉर्डिंग गेम की रिलीज डेट थी 25 मई, यानी कि 25 तारीख को वो रिलीज़ हो जाना चाहिए था, लेकिन वो भी जा चुकी। आज 26 मई है, लेकिन आज 26 मई को कुछ अपडेट्स दी है बीजीएमआई ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे है, यानी कि एक प्रोमो या फिर टीज़र आया है जिसमें हम लोगों को जो गेम है वो कमिंग सून में दिखा रहा है। यानी कि जो 25 या 23 का जो एस्टिमेट था, जो कि टैप पे या फिर कुछ गेमर्स हिंट दे रहे थे, वो इसीलिए था कि उनको पता था कि जो 23 या फिर 25 के बीच में जो कुछ भी मतलब बीजीएमआई अपडेट देगा उससे आई थिंक तुम लोगों को कुछ एस्टिमेट लग सकता है। यानी कि जो गेमर्स थे या फिर जो लीक्स वगैरह आई थी कि इस टाइम को गेम रिलीज़ होगा, वो गेम रिलीज़ नहीं होना था, वो कुछ अपडेट्स आनी थी जो कि बीजीएमआई ऑफिशियल तुम लोगों को बीच में डालेगा। सो अभी तक बीजीएमआई ने डाला है एक सिंगल प्रोमो या फिर कह लीजिए एक टीजर गेम का, जिसमें कमिंग सून दिखाया है गेम को। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एस्टिमेट लगा रहे थे 23 या फिर 25 के बीच में गेम आ जाएगा, वो एक्चुअल में गेम नहीं आना था, वो कुछ अपडेट्स आनी थी बीजीएमआई क्राफ्टन की तरफ से, जो कि आ जाइए 26 को, जिसमें हम लोगों को बताया गया है गेम जो है कमिंग सून एंड स्टे ट्यून्ड है, यानी कि गेम बहुत जल्द तुम्हारे बीच में आने वाला है। यानी कि जो तुम एस्टिमेट लगा रहे थे, जो इतने सारे लीक्स आए थे, वो एक सिंगल प्रोमो या फिर टीजर के लिए आए थे, गेम एक्चुअल में थोड़ा और टाइम लेगा। यानी कि सबसे पहले बात करें, गेम अराउंड 1 वीक और ले लेगा आई थिंक, तो इसे ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो गेम डेवलपमेंट में तो है नहीं, ये तो है नहीं कि गेम अभी फ्रेश बन रहा हो, गेम बन चुका है। हाँ, कुछ चेंजेस तो आएंगे जो कि पबजी ऑफिशियल में आ चुके हैं बहुत टाइम पहले, वही चेंज आएंगे बीजीएमआई के अंदर, जिनको तुम लोग अब अपने इंडिया में एंजॉय कर सकोगे। सो आई थिंक गेम 3 जून या फिर उसे पहले तो आ ही जाना चाहिए एंड इससे ज़्यादा टाइम तो लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखो जितने भी रिसोर्सेज वगैरह पता चले उससे ही मैंने तुम लोगों को ये एस्टिमेटेड डेट बताई है। एंड जब पहली बार गेम बैन हुआ था पबजी से बीजीएमआई में कन्वर्ट हुआ था, उस टाइम भी यही हुआ था, जो ये कंटिन्यूसली पोस्ट वगैरह डालते हैं यूट्यूब चैनल पे, उस टाइम भी यही हुआ था, एक हफ्ते के अंदर अंदर गेम आ गया था। प्री रजिस्ट्रेशन के लिए पहले तो आया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद जो ये पोस्ट वगैरह में अपडेट्स देते थे, एक हफ्ते के बाद गेम डाउनलोड करने के लिए भी आ गया था। एंड आई थिंक कुछ ऐसा ही इस बार भी होने वाला है। एंड ये थी कुछ ऐसी एस्टिमेटेड डेट्स जो कि रिसोर्स से पता लगी है। एंड तुम लोगों को क्या लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर गेम आ जाएगा या फिर नहीं? सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी मल्टी टाइप ऑफ गेमिंग वीडियोस देखने के लिए।